द्वारका एक्सप्रेस वे भले ही आपका वेलकम करा है, लेकिन यहाँ वेलकम करने लायक अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अफसोस ज्यादा है। घर बनकर तैयार है, लेकिन वहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता, जिससे प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरे हैं। दिल्ली एनसीआर की हॉट प्रॉपर्टी कहे जाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे आज भी जमीनी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि खेतों के बीच ये जो प्रोजेक्ट्स खड़े हैं, यहाँ पर लोग रहना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि जो रोड्स है वो अभी तक बन नहीं पा रही, जमीनी सुविधाएं अभी भी काफ़ी कम है, और सड़क का हाल देखिए आप यहाँ पे कि जो सड़क दिख रही है आपको काफ़ी टूटी फूटी है, यहाँ पर निकलना काफ़ी मुश्किल है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो सड़क के इस पार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, लेकिन मुद्दा यही है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते। इतना बड़ा निवेश करने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ पे रहना इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि यहाँ पे अभी भी जमीनी सुविधाओं की काफ़ी कमी है। तो ये एक सवाल अभी भी बड़ा जो बना हुआ है कि आखिर कब एक्सप्रेसवे बनेगा और कब लोग यहाँ पर आएंगे और कब यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होगी, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। गौरव खोसला, जी मीडिया।